Hi guys, welcome back to my channel. So let's start a new video. In this video I'm going to share about BSc agriculture. Lots of people आपने ये सुना होगा कि BSc agriculture फालतू का कोर्स है, इसे नहीं करना चाहिए, इसमें कोई जॉब नहीं, इसमें कोई स्कोप नहीं, इसका कोई फ्यूचर नहीं है. एंड क्या ही ये सारी चीज़ें कर रहे हो, ये सारी चीज़ें तो हम अपने बचपन में किया करते थे, अभी भी करते हैं, खेतों में करते हैं, तुम्हें डिग्री की ज़रूरत है. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. मीन्स ऐसे बहुत सारे लोग आपको ऐसे कहने वाले मिल जाएंगे, जो आपको ऐसे बहुत सारे ज्ञान देने वाले लोग मिल जाते हैं. तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है. कंपैरिजन इसका बहुत ज़्यादा मेडिकल फील्ड से होता है, सेल्फ डाउट भी आ जाता है. एटलीस्ट मेरे में भी आ गया था जब मैंने BSc एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया था. एंड लोगों ने जब सुना कि मैं एग्रीकल्चर पढ़ने वाली हूँ अब, तो उन्होंने अजीबोगरीब ताने मारे थे. तो क्या हम BSc एग्रीकल्चर के बाद सक्सेसफुल होंगे या नहीं, जॉब मिलेगा या नहीं, ऐसे बहुत सारे सेल्फ डाउट आ जाते हैं. एंड आंसर है इसका ऑफकोर्स, यस एब्सोल्युटली. इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है. एंड जॉब एंड कैरियर स्कोप की बात करें तो एग्रीकल्चर इज़ द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन. एंड कैरियर ऑप्शंस की बात करते हैं तो आफ्टर BSc एग्रीकल्चर आप हायर स्टडीज़ कर सकते हो, मीन्स MSc, MBA, PhD. एंड जॉब्स की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब्स में आप IBPS, AFO, RRBSO, NABARD एंड UPSC, IFS, IFCO, AGT, FCI, CRIPCO, AEO, ADO, HDO, BDO एंड VDO एंड RAEO, ADM एंड BDM जैसे पोस्ट आते रहते हैं, जिन्हें आप इजीली एग्ज़ाम क्रैक करके आप अप्लाई कर सकते हो. एंड डेफिनेटली अगर आपने उसमें सच में इतना एफर्ट डाला होगा तो आप उस पोस्ट तक ज़रूर पहुँचोगे. एंड अगर आप इतना टाइम नहीं देना चाहते हैं तो आपके लिए प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं, जिसमें फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चर फॉर्म्स हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, मशीनरी इंडस्ट्रीज़ हैं. आप लेक्चरर बन सकते हो, आप कोचिंग दे सकते हो. एंड अगर बात करें हम लोग बिजनेस के फील्ड में तो मॉडर्न फार्मिंग है, लैब सॉइल टेस्टिंग है, वर्मी कंपोस्ट, मशरूम फार्म, हाइड्रोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग, पेस्टिसाइड शॉप, बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हैं. एंड स्टार्टअप की बात करें तो आप बहुत सारे फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ सॉल्व कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप BSc एग्रीकल्चर में कर सकते हो. एंड कौन बोलता है कि स्कोप नहीं है, फ्यूचर नहीं है. जितना मुझे लगता है कि जितना आपके लिए खाना इम्पॉर्टेंट है, अगर आप खाओगे तो ही जीवित रहोगे एंड तभी आपकी लाइफ अच्छी होगी. एंड उसके बाद जितना आपको मेडिसिन का ज़रूरत है, उससे कई ज़्यादा आपको फूड की ज़रूरत है. तो फिर आप अपना कंपैरिजन किसी से भी मत करना. तो इसी के साथ चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में. एंड अब बात कर लेते हैं टॉप प्राइवेट ICAR एग्रीकल्चर कॉलेजेस की. गवर्नमेंट वाली तो आप सबको पता ही होंगी. एंड प्राइवेट कॉलेजेस जो कि ICAR के थ्रू एफिलिएटेड हैं, एंड इनकी प्लेसमेंट और टॉप कॉलेज कौन से होंगे. ट्यूशन फ़ी जो है इसमें नॉर्मली आने वाली है 6 to 8 lakh, इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है. सो फर्स्ट नंबर पे है LPU पंजाब, 1.2 लाख पर सेमेस्टर है. सेकंड है ITM ग्वालियर जो कि MP में है, 1.25 लाख पर सेमेस्टर. थर्ड है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर, 70,000 पर सेमेस्टर. एंड नेक्स्ट है ट्रस्ट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बारामती, विच इज़ इन मकरशेरा, एंड इट्स 8 lakh फुल कोर्स. नेक्स्ट है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब, 90,000 पर सेमेस्टर. नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी थेरी में है, जो कि तमिलनाडु में, 70,000 to 75,000 पर सेमेस्टर. एंड नेक्स्ट है सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जो कि उड़ीसा में है, 8.5 lakh फुल कोर्स का है. फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर शिक्षा ओ जो कि अनुसंधान है, ओडिशा में है, भुवनेश्वर, 90,000 पर सेमेस्टर. AKS यूनिवर्सिटी सतना, ये भी MP में है, देखो 65,000 पर सेमेस्टर. एंड गुरु काशी यूनिवर्सिटी ये भी पंजाब में है, 1.25 लाख पर ईयर. नेक्स्ट है तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी, ये है मुरादाबाद UP में, जिसका होगा 65K पर सेमेस्टर. तो ये सारी हैं टॉप प्राइवेट ICAR एग्रीकल्चर कॉलेजेस, जहाँ पे आप इजीली अपना एडमिशन ले सकते हो.
एंड इजीली आप पढ़ाई कर सकते हो। चलो जब हमने कॉलेज की बात कर ली तो बुक्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट जो है थोड़े सीरियस हो जाते हैं जब वो बीएससी फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड ईयर में मोस्टली जाते हैं, तो उनका नेक्स्ट डाउट होता है कि कौन कौन से बुक्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएगा, तो इसे भी जान लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपके पास होना चाहिए, मीन्स मेरे पास भी है, अरुण कात्यायन, जिसका वॉल्यूम 1 और 2 है, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर बाई अरुण कात्यायन। नेक्स्ट है नीमराज शुंडा, ये बुक भी मेरे पास है, एंड आई होप कि आप में से जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस फील्ड में हैं उनके पास भी होगा। सो नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर, SR कांतवा, UG और PG के लिए है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस, UG PG PhD बाई RK शर्मा। जनरल एग्रीकल्चर मुनिराज राठौर, एंड मैंने ऑलरेडी बताया नीमराज सिंह सुंडा का जो है अ कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर। देन बेसिक हॉर्टिकल्चर का जितेंद्र सिंह का ग्लेशियर ऑफ हॉर्टिकल्चर, P मुथु कुमार, एंड MCQs इन हॉर्टिकल्चर भरत सिंह हड्डा, एंड इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर SN गुप्ता। प्रतियोगिता दर्पण कृषि विज्ञान जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की है BD सिंह की, एंड ICR है इसमें पुंदन सिंह की एक है, एंड AIEEA UG डॉक्टर राजीव एंड RK गुप्ता। एंड क्वेश्चन बैंक फॉर ऑल द एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन JRF SRF NET PhD बाई द RK शर्मा। तो ये सारे बुक्स हैं जो आप ले सकते हो अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करना है तो। एंड अब हमने तो आपको पता ही है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है, जस्ट लाइक कॉलेज बुक्स। तो अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब में टॉप हाई सैलरी वाले कौन कौन से जॉब्स हैं आफ्टर BSc एग्रीकल्चर, जिसमें सैलरी आपकी एटलीस्ट 40,000 से 1.5 लाख पर मंथ हो। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारा बैंकिंग सेक्टर, जिसमें IBPS कंडक्ट कराता है AFO का, सैलरी है इसकी 50K पर मंथ। एंड RRB PO क्लर्क AO इसका है 35 to 45K पर मंथ। देन NABARD असिस्टेंट मैनेजर की है 70,000 से 1 लाख पर मंथ है, ग्रेड ए और बी में आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जॉब्स हैं उसमें ऑल इंडिया लेवल है, UPSC IFS सेंट्रल वेयर हाउसेस के हैं, JTO GM पोस्ट पे होता है 90K to 55K पर मंथ। एंड FCI AG थर्ड ग्रेड का है TA, एंड NSCL जूनियर ट्रेनी और सीनियर ट्रेनी का आता है, AISCL ट्रेनी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का आता है, NFL मैनेजमेंट ट्रेनी की आती है, क्रिपको असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, IFCO असिस्टेंट ग्रेड थर्ड। एंड स्टेट वाइज PCS की बात करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर की आती है जिसमें 80,000 सैलरी आपको मिल जाती है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की होती है, HDO की होती है जिसमें फूड इंस्पेक्टर और एनालिटिक्स होते हैं। देन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स की बात करेंगे तो सीड इंस्पेक्टर होते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट में ATM एंड BTM के पोस्ट आते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स की बात करेंगे तो केन सुपरवाइजर, हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर जिसमें 40,000 से 80,000 तक पर मंथ मिल जाता है, SBI जूनियर एग्रीकल्चर एसोसिएट, एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स जो कि स्टेट PCS जो कि UP बिहार झारखंड MP हिमाचल प्रदेश पंजाब उत्तराखंड केरल और तमिलनाडु जैसे प्लेसेस पे इन सबकी वैकेंसीज आती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी एग्रीकल्चर के अंदर जो कि आप इजीली आप इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, पढ़ सकते हो, एंड बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। एंड अगर आप चाहोगे कि मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी लिस्ट बनाऊँ एंड आपको बताऊँ तो मैं वो भी करूँगी, बट उसके लिए आपको कमेंट करना होगा एंड इसे शेयर करना होगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देने होंगे। सो गाइज, एंड अगर आपको कुछ लेक्चर्स के वीडियोस चाहिए, जस्ट लाइक अगर आप BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर किसी भी में भी हो एंड आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट आपके लिए थोड़ा टिपिकल है एंड आप चाहते हो कि इस पर लेक्चर्स होने चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो एंड मैं ट्राई करूँगी कि उस पर आपको लेक्चर प्रोवाइड करूँ, या फिर कहाँ आपको परफेक्ट गाइडेंस मिलेगा एग्रीकल्चर के लिए मैं वो सजेस्ट कर दूँगी। सो तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।